आ रहा है सुल्तान, अब आंखों पर पट्टी चढ़ाई लो वरना आपको देखते ही भस्म हो जाएगा बेचारा। मजाक ना कर छोरे, आज अपने हाथ से उसकी गर्दन उतारूंगा फिर अपनी आंखों पे पट्टी चढ़ाऊंगा। बट और तू कवि का कवि रह गया। कलम को तीर तलवार से कम ना समझो काका। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, व्यास हैं तो श्री कृष्ण हैं। मैं चंचल सिंह, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम यहाँ पे मोना फिल्म हाउस में हैं और यहाँ पे जो है कि पृथ्वीराज चौहान का मूवी लगे हुए हैं, जो जहाँ पे कि बहुत सारा लोग देखने के लिए आते हैं और ये बहुत ही पुराना इतिहास को दर्शाया गया है। तो आइए, यहाँ पे बच्चे लोग अंदर गए हुए हैं देखने के लिए, अभी जस्ट निकलने वाले हैं और निकलने के बाद बच्चे से बात करेंगे कि मूवी देख करके कैसा लगा और उसमें जो है कि क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आइए हम बच्चे से बात करते हैं। यहाँ आइए, हम दिखा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान का फिल्म देख करके लोग निकल रहे हैं। इन लोग से बातें करते हैं, पूछते हैं कैसा फिल्म है। और अभी आप लोग फिल्म देख के निकल रहे हैं? हाँ जी सर, फिल्म देख के निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मूवी आपने देखा ये कैसा लगा देख करके? भैया मूवी ठीक है, बस एंडिंग में कभी हमने देखा है कि जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रप्रदाई खुद मारते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि उन दोनों को मतलब क्या बोलते हैं एक साथ मार देते हैं, वो पीठ पे मारते हैं, धनुष से मारते हैं, वो दिखाया। वो थोड़ा अजीब सा लगा लास्ट वाला सीन, बाकी मूवी बहुत अच्छी है, मूवी सही लगा। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान जो मूवी बना हुआ है इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें सर हमारे जैसे वीर हिंदू जो थे इनकी वीरों को दिखा रहे हैं, जैसे पूरा राजपूतों का पूरा इतिहास रहा है उनके वीर को दिखा रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान जब चले गए उसके बाद से यहाँ पे मुसलमानों का शासन हो गया, ये हो गया दिल्ली पे, वही दिखा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो आइए और पूछते हैं यहाँ पे। नमस्ते, मूवी देख करके निकल रहे हैं? तो ये मूवी जो देखे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था पृथ्वीराज चौहान, लाइक 4 रेटेड ही मूवी लगी मेरे को। मूवी के सारे सीन्स लाइक बहुत परफेक्टली सूट किए गए हर जगह पे, एंड वो स्पेशली गजनी वाला सीन एंड जब मानुषी चिल्लर वो आग में जंप करती है वो सबसे बेस्ट सीन लगा मेरे को। तो लाइक ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आई सजेस्ट कि सब देखो इस मूवी को जाके, और स्टूडेंट्स के लिए तो और भी अच्छी क्योंकि ये हिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छी मूवी है, ऐतिहासिक मूवी है, पुराना इतिहास को दिखाया गया है। तो ये जो मूवी आपने देखा तो लास्ट का जो सीन आपने देखा होगा कि पृथ्वीराज चौहान और उनके जो शिष्य थे दोनों को एक साथ मार दिया गया, ये क्या सही है या फिर एक साथ? ये सही है, जैसे कि आप बचपन से अपने किसी के साथ रह रहे हो तो आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो किसी के साथ बचपन से ही रह रहे हो तो आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सही है, मेरे ओपिनियन से हमेशा। आपको ये मूवी देख करके क्या सीख मिला? मेरे को ये मूवी देख के सीख मिला कि आप हमेशा लाइक अपने रिलीजन को सपोर्ट किया करो और कभी भी ऐसे अपने बात से पलट मत जाओ कि नहीं लास्ट में अगर मौत पे बनाए तो नहीं करते हैं। आपने मूवी देख करके? जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो मूवी में आपको क्या देखने के लिए मिला? मूवी में लिखा है कि जो पहले का जो बनाया गया था फिल्म जो था देश के लिए पृथ्वीराज चौहान की, उसकी हकीकत को दर्शाया गया। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? एक बहुत बड़ा योद्धा थे, राजा महाराजा थे, उसकी कहानी देख कर हमको बहुत अच्छा लगा। मूवी भी बहुत अच्छे थे, महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छा। फिल्म जाता महिलाओं को जो सम्मान पहले नहीं दिया जाता उस सम्मान के ऊपर ही है, महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया। हाँ, ये कहानी भी उसमें आती है। आइए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग भी गए थे देखने के लिए, इनसे भी पूछते हैं। क्या बाबू आपने फिल्म देखा? हाँ अंकल। तो कुछ आपको समझ में आया? हाँ, इसमें समझ आया कि हमें धर्म के साथ हमेशा रहना चाहिए, अधर्म में नहीं जाना चाहिए, कभी बात से हमें पलटना भी नहीं चाहिए। देखिए ये छोटा सा बच्चा है और अभी करीबन कितना साल उम्र हो रहा है तुम्हारा? 9th ईयर्स हो रहा है ये बच्चे का। और इन ये बच्चे को समझ में आया मूवी देख करके कि हमेशा जो कि धर्म पे अटा रहना चाहिए और जो है कि अपने बात पे नहीं करना चाहिए? हाँ। ये सीख मिला हमें। हाँ, तो क्या आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये मूवी को सभी को देखना चाहिए ये मूवी? हाँ, ये सबको मूवी देखना चाहिए कि ये ऑल फैमिली देख भी सकती है, इसमें अधर्म धर्म की जीत होगी हमेशा। चलिए बहुत खूब, बच्चे लोग को भी समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे और बच्चे हैं, इनसे भी पूछते हैं। बाबू आपने फिल्म देख करके भी निकला? हाँ। तो क्या आपको क्या सीख मिला इस मूवी से और क्या देखने के लिए मिला मूवी में? हमें ये मुझे तो ये सीख मिला कि अगर कोई दुश्मन हमारा सामना करना चाहे तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिए जी। और फिर ये भी था कि चुनौतियों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, चुनौतियों को जो है कि डट के सामना करना चाहिए, चुनौतियाँ अगर मिले तो उससे पाछे नहीं होना चाहिए। हाँ। चलिए आप किस वर्ग में पढ़ते हैं? मैं 5th में। 5th में। हाँ। चलिए धन्यवाद। और इनके पेरेंट्स वगैरह भी हैं, इनसे भी बातें करते हैं। तो आप लोग मूवी देख करके निकले, क्या कैसा लगा मूवी? मूवी तो बहुत अच्छा, अच्छी मूवी है। तो क्या मतलब इसमें क्या देखने के लिए आपको मिला, क्या सीख मिला? प्रेरणा मिलता है कि इतिहास में की गई भूल अब आगे नहीं दोहराना चाहिए भारतीय को, है ना। हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे
और वो मलेच्छों ने हमें हमेशा धोखा। जैसे पहले पृथ्वीराज चौहान और जितने भी राजा लोग थे जैसे अपने धर्म का रक्षा करते थे, वैसे अभी भी हम लोग को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अब वैसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए जो इतिहास में हो गई। इतिहास में जो हो गया बीत गया वैसी नहीं मूर्खता सीख लेनी चाहिए कि युद्ध में है। यहाँ पे और हैं जिनसे भी बातें करते हैं। आपने मूवी अभी देख करके निकला, कैसा लगा मूवी? मूवी तो बहुत बढ़िया है और हम लोग के लिए सीख है कि गद्दारों से सावधान रहिए। गद्दारों से सावधान रहिए।